आज अच्छा, एक आपका फोन में मेरे को जो है ना, जब भी मैं आपको करता हूँ ना फोन, तब ये आता है कि ये फोन नंबर उपयोग में नहीं है, बंद है। नहीं 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 पूरा उपयोग में। एक्चुअल में क्या कि उड़ीसा में अभी जो साइक्लोन आया था 3-4 दिन पहले, तो उसमें सब मोबाइल टावर वगैरह सब कलेप्स हो गया, तो प्रॉब्लम थोड़ा आ रहा है वो। हाँ तो वही होगा, क्योंकि जैसे अभी लग गया था थोड़ी देर पहले, लेकिन बाकी बार बार यही आता है कि कॉल नहीं लगता है। हाँ नहीं वो एक्चुअल में वो जो इसको अभी एयरटेल मेरा नंबर है, लेकिन ये सेलवन में डाइवर्ट करके चला रहा हूँ, एयरटेल का भी कन्फर्म आया नहीं है। बराबर सेम नंबर को सेलवन में डायरेक्ट डाइवर्ट किया हुआ, तो वो दिखाता हुआ ऐसा पूछा। तो आपका ये तो, आप कौन सा बीकानेरी पापड़ बनवाते हो वहाँ पे या कौन सा, क्योंकि उसमें पापड़ अभी तो मैं जैसे चार टाइप के पापड़ बना रहा हूँ अभी यहाँ, एक तो मूंग का पापड़ और एक उड़द दाल का और एक तिल का और एक चना दाल का। और उसमें साजी खार यूज करते हो या पापड़ खार? नहीं खार यूज करते, पापड़ खार। बराबर, पर ओरिजिनलिटी तो जो है बीकानेर स्टाइल से चाहिए, तो फिर साजी खार यूज करना चाहिए। हाँ वो साजी खार, तुम डिफरेंस क्या साजी खार में क्या मतलब प्लस पॉइंट है? अरे साजी खार का बहुत टेस्टी लगता है, जैसे गुजरात में नहीं चलता है साजी खार का बिल्कुल। हाँ वो तो बीकानेर में चलता है खाली साजी खार। हाँ पर उसका एक्सपोर्ट भी होता है और अच्छा लगता है। साजी खार जो है ना वो एक तरह का जो अफगानिस्तान में और वहाँ पे पौधा होता है, और अच्छा। पौधा जो है ना वो क्या है कि जमीन से पूरा सोडियम ले लेता है, सोडियम, और अच्छा, फिर उस पौधे को जो है ना वो लोग सूखा लेते हैं। जब पौधा सूख जाता है ना उसके बाद में उसको जला देते हैं, जब जल जाता है ना उसके बाद में उस पौधे में पानी डालते हैं, उसका पौधे का राग की सॉल्यूशन कर लेते हैं, और फिर सॉल्यूशन को वापस सुखा लेते हैं। तो सॉल्यूशन जब सूख जाता है ना तो उसका जो पौधे के अंदर जितना भी सोडियम और कार्बोनेट और ये सब है ना वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है। तो वो क्रिस्टल के जो ढेले है ना वो 70-80 रुपये किलो में बिकता है, उसको साजी खार बोलते हैं। और उस साजी खार जो है ना उसको फिर जो है साजी खार को जो है ये पापड़ बनाने वाले है ना वो एक फिक्स उसका नाप होता है, एक हाइड्रोमीटर आता है, हाइड्रोमीटर में ब्योम से उसकी डेंसिटी नापी जाती है। ब्योम जो है ना उसके अंदर ब्योम होता है, और ब्योम में जितना हम स्टैंडर्ड बोले ना उतने स्टैंडर्ड तक उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। ये सारा प्रोसेस करने में लगभग 1 वीक लग जाता है, 1 वीक के 1 वीक तक में आपको पूरा मतलब 200 किलो या 400 लीटर पूरा ड्रम जो है ना आपके पास आ जाता है। अब उस ड्रम को पानी जो है उसका फिक्स नाप होता है कि भाई इतने लीटर पानी इतने आटे में डालना है, फिर ऊपर से पानी नहीं डालना है, साजी खार का पानी ही डालना है बस। तो क्या साजी खार के अंदर जो ये मैग्नीशियम होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है और कुछ सल्फर कंटेंट होते हैं, ये पापड़ को एक यूनिक बीकानेरी टेस्ट देता है। और साथ ही साथ पापड़ में जो मॉइस्चर होती है ना वो जब पापड़ आपका मॉइस्चर की वजह से अंदर जो है सोडियम कार्बोनेट रहता है, और पापड़ को जब रोस्ट करते हो तो सोडियम कंटेंट जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकलने के लिए फोर्स से वो बाहर निकलती है। जब फोर्स से बाहर निकलती है और नहीं निकल सकती है, इसलिए वो पापड़ में हर जगह बबल्स बना देती है। बबल्स बनने के बाद बबल्स जब बर्स्ट होते हैं तो गैस बाहर निकल जाती है, और इस वजह से पापड़ में एक बहुत ही बढ़िया एपेटाइजिंग लुक देता है वो। टेस्ट में तो आप खुद सोच लो कि भाई गुजरात के अंदर वो पापड़ नहीं चलते हैं, मतलब पापड़ खार का टेस्ट जो है यहाँ पे पसंद है, लेकिन राजस्थान में हर जगह जो है साजी खार का टेस्ट पसंद करते हैं। अब पर्सनली मैं गुजराती हूँ, लेकिन मेरा सारा एजुकेशन राजस्थान में हुआ है, ब्यावर में, तो मुझे जो है पापड़ फेमस है खाने में। हाँ तो मुझे पसंद है साजी खार का, इसलिए कौन सा बेटर है वो आप नहीं कह सकते हो, वो आपकी लोकेलिटी जो है ना वो कहेगी। अगर उड़ीसा में मैं मानता हूँ कि पापड़ खारी बेटर रहेगा, साजी खार नहीं रहेगा बेटर। पापड़ खारी रहेगा, वैसे इतना लोग जानते भी नहीं यहाँ। हाँ
वो उसको कुछ अजीब टेस्ट लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसमें जीभ में हल्की सी जलन भी होती है उस पापड़ में, और जो जीभ में हल्की सी जलन होती है उसको वहाँ का यूनिक टेस्ट मान के पसंद करते हैं यूं। जैसे तम्बाकू खाने वाले नहीं होते कि भाई वो चुने ऐसा है, मतलब ये तो आदमी के ऊपर है कि किसको कहाँ का टेस्ट पसंद है। वो मॉइस्चर कैसे, मॉइस्चर मीटर कुछ आता है क्या पापड़ का चेक करने के लिए? मॉइस्चर मीटर आता है ना, सिमाज़ु कॉर्पोरेशन करके जापान की एक कंपनी है, मेरे काफी क्लाइंट्स के पास में उनका मॉइस्चर मीटर है। लेकिन जनरली आपको जो है ना मॉइस्चर लेब से एक दो बार करवा लेना चाहिए, फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये सिमाज़ु कॉर्पोरेशन का जो मॉइस्चर मीटर रहता है उसकी कीमत 1,80,000 रुपया है। पापड़ जैसे रखने के हैं,